माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित केवल एक प्रश्न लूंगा और उसी एक प्रश्न से इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये जो डैम आपको दिख रहा है ये है माही बजाज सागर डैम जो बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है माही नदी पर। खैर, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस क्वेश्चन से हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो वही ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पर आधारित है, सत्य और असत्य कथन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमको सत्य कथन ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला है, माही बजाज सागर परियोजना द्वारा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के केवल आसपुरा क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा है कि कागदी पिकअप बांध के दाएं ओर निकाली गई नहर आनंदपुरी भूकिया है, यानी उस नहर का नाम आनंदपुरी भूकिया नहर है, यह जांच करनी है। फिर है, आनंदपुरी भूकिया नहर पर गानेड़ा व घाटोल स्थान पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला है, माही बजाज सागर परियोजना के दूसरे चरण में कड़ाणा बांध का निर्माण किया गया। फिर है, माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया कड़ाणा बांध गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। फिर है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात की हिस्सेदारी समान है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि माही बजाज सागर परियोजना के लिए राजस्थान व गुजरात में वर्ष 1966 में समझौता हुआ। तो क्या है माही बजाज सागर परियोजना? सबसे पहले आ जाओ राजस्थान के मैप पर। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक नदी, एक दक्षिणी राजस्थान की एक मुख्य नदी प्रवाहित होती है जो माही नदी है। हालांकि इस वीडियो में मैं माही नदी के संबंध में बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो मैं नदियों के टॉपिक में बता चुका हूं। इसीलिए इस वीडियो में केवल माही नदी का ओवरव्यू देते हुए मुख्य रूप से मैं माही बजाज सागर परियोजना के संबंध में ही बात करूंगा, ठीक है ना? तो हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि राजस्थान में दक्षिण से एक नदी आती है मध्य प्रदेश से और बांसवाड़ा में एंटर करती है। बांसवाड़ा के खादू गांव में आगे प्रतापगढ़ के पास से वापस घूमती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। कभी डूंगरपुर में जाती है, कभी बांसवाड़ा जिले में जाती है, आगे गुजरात में एंटर करती है और फिर जाकर अरब सागर से मिल जाती है। तो ये है माही नदी की मोटी मोटी कहानी। अब इस माही नदी के जल को उपयोग में लेने के लिए सन 1966 ईस्वी में राजस्थान और गुजरात के मध्य एक समझौता हुआ एक परियोजना पर, और वो परियोजना थी माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ये जो परियोजना थी इसमें राजस्थान और गुजरात की जो हिस्सेदारी थी वो 45% और 55% रखी गई। यानी राजस्थान 45% खर्चा उठाएगा और गुजरात 55% खर्चा उठाएगा। किस बात का खर्चा? खर्चा ये कि माही नदी के जल का उपयोग लेना है, सिंचाई के लिए काम में लेना है, उससे विद्युत ऊर्जा बनानी है तो आपको बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। बांध अगर बनाने हैं तो पैसा तो चाहिए। तो इसीलिए राजस्थान और गुजरात के मध्य ये साझेदारी हुई जिसमें राजस्थान 45% और गुजरात 55% धनराशि वहन करेगा। अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत टोटल 3 चरणों में इस पूरी परियोजना का निर्माण हुआ। पहले चरण में बांसवाड़ा जिले में एक बांध बनाया गया जिसको कहा गया माही बजाज सागर बांध। दूसरे चरण में गुजरात में एक बांध बनाया गया जिसको कहा गया कड़ाणा बांध। कड़ाणा बांध जो पहले गुजरात के पंचमहल जिले में आता था लेकिन बाद में एक नया जिला बनाया गया महीसागर, तो वर्तमान में महीसागर जिले में आता है। और तीसरा बांध जो बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध के आगे बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। तो मैं इनको लिखता हूं एक बार कि 3 चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इस परियोजना का निर्माण हुआ। पहले चरण में जो बांध बना वो बना माही बजाज सागर बांध, ठीक है। कहां बना ये बांध? ये बना आपके बांसवाड़ा में, यहां पर, ये बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध। ये जहां पर बना, बांसवाड़ा में एक जगह है बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा में एक गांव है लोहरिया गांव, वहां पर ये बांध बना हुआ है।
बांसवाड़ा में बोरखेड़ा, बोरखेड़ा में एक गांव है लोहरिया या लोहारिया भी बोलते हैं उसको, और यहीं पर यह बांध बना हुआ है जिसकी लंबाई है 3109 मीटर। और इतनी लंबाई के साथ ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा डैम है, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, सबसे लंबा बांध। यहीं पर विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, लेकिन माही बजाज सागर बांध में जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उस विद्युत ऊर्जा में पूरी की पूरी 100% जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है। यानी कि यहां जितनी भी बिजली बनेगी उसमें गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा, पूरी बिजली राजस्थान को मिलेगी। तो विद्युत ऊर्जा में ध्यान रखना, जल विद्युत में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 100%, क्लियर है। अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है तो यहां पर कुछ इकाइयां लगाई गई, यूनिट्स, वही टर्बाइन जिसको हम बोलते हैं। तो एक तो 1986 में और एक 1989 में, दो अलग अलग समय पर यहां पर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूनिट्स लगाई गई। कब कब, 1986 में दो इकाइयां लगाई गई 25-25 मेगावाट की। तो 25 मेगावाट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा की इकाइयां 1986 में स्थापित हो गई। फिर आता है 1989 जब 45-45 मेगावाट की दो इकाइयां लगाई, तो 45 × 2 करोगे तो यह आएगा 90 मेगावाट, ठीक है। तो टोटल अगर देखें तो टोटल कितना हो गया, 90 + 50 यानी कि 140 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का कुल उत्पादन माही बजाज सागर बांध से हुआ, ठीक है। थोड़ी सी और चर्चा करूंगा फिर दूसरे चरण पे जाऊंगा। ये जो नाम है माही बजाज सागर, ये वाला जो नाम है, तो ये नाम रखा गया जमुना लाल बजाज के नाम पर। कौन है जमुना लाल बजाज, ध्यान देना, ये एक तस्वीर है न्यू दिल्ली की जिसमें गांधी जी भी बैठे हुए हैं और ये हैं जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जिनका जन्म राजस्थान के सीकर जिले के काशी का बास गांव में हुआ था, कहां पर, काशी का बास, कहां पर आता है, सीकर, सीकर कहां, राजस्थान में। ये बहुत बड़े उद्योगपति थे यानी बहुत पैसा था, क्रांतिकारी भी थे, और इनको कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र, ठीक है साहब। इन्होंने स्वयं को भी एक उपाधि दी थी, एक संज्ञा दी थी, और वो उपाधि थी गुलाम नंबर 4। ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्यों कहते थे, इनका कहना यह था कि पहले नंबर का जो गुलाम है वो है मेरा देश, यानी मेरा देश गुलाम है, वो पहला गुलाम। दूसरे जो गुलाम है वो देशी रियासतों के राजे रजवाड़े हैं, तो वो है गुलाम नंबर 2। तीसरा जो गुलाम है वो मेरा गृह जिला यानी मेरा क्षेत्र सीकर, वो गुलाम नंबर 3। और चौथा गुलाम हूं मैं यानी कि गुलाम नंबर 4। तो इन्होंने स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा। इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपाधि भी दी गई थी, वो थी राय बहादुर की, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का काफी साथ दिया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने उस उपाधि को वापस कर दिया था। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें ध्यान रख लेना कि जयपुर में सन 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी, जयपुर में चरखा संघ, कब, 1927 में। हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किया और हिंदी को ये कहते थे ईमान की भाषा, ईमान की भाषा। परिचय मिल गया आपको जमुना लाल बजाज का। जयपुर राज्य का जो प्रजामंडल था तो उसके भी अध्यक्ष बने थे, यानी जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष ये बने थे। बाद में हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। तो ये थे जमुना लाल बजाज, इन्हीं के नाम पर ही इस परियोजना का नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा गया और ये बांध भी माही बजाज सागर बांध। इस बांध के संबंध में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। बांसवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, यानी कि ये जो बेल्ट है ना बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की, ये दक्षिणी राजस्थान मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो ये आदिवासी बेल्ट है, यहां पर आदिवासी बहुत रहते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि माही बजाज सागर परियोजना का जो लाभ मिलता है वो बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों को तो मिलता ही मिलता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना कि डूंगरपुर के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहां की भी कुछ तहसीलें हैं जिनसे माही बजाज सागर परियोजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। वो कौन कौन सी तहसीलें हैं? एक तो सागवाड़ा, एक सीमलवाड़ा और एक आसपुरा। सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुरा, ये डूंगरपुर में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गौर कर लेना। तो डूंगरपुर के सागवाड़ा, सीमलवाड़ा और आसपुरा ये क्षेत्र हैं जिनसे माही बजाज सागर बांध द्वारा सिंचाई के लिए जल पहुंचाया जाता है। तो बांसवाड़ा में भी सिंचाई होती है और डूंगरपुर में भी सिंचाई होती है इस माही बजाज सागर बांध से, जो पहले चरण में बनाया गया बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के लोहरिया गांव में बना हुआ है। बोरखेड़ा जो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है, इसकी टोटल जो लंबाई है माही बजाज सागर बांध की वो 3109 मीटर है और इसीलिए राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसका नाम रखा गया जमनालाल बजाज के नाम पर, जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे जिनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। इन्होंने गुलाम नंबर 4 स्वयं को कहा। जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की और भी बहुत सारी बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। अब देखो पहले चरण में तो ये बांध हो गया, अब आ जाओ दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में एक और बांध बनाया गया और वो बांध था कडाणा बांध। कडाणा बांध, ठीक है साहब, ये बांध बना गुजरात में। यहां पर आ जाओ, ये इसको हटा दें थोड़ा सा, ये हटा दो। तो दूसरे चरण में यहां बांध बना जो गुजरात में बना, जिसको हमने नाम दिया कडाणा बांध। जब ये बांध बना था तो उस समय गुजरात के पंचमहल जिले में आया करता था, लेकिन बाद में फिर पंचमहल जिले को तोड़कर एक नया जिला बना महीसागर। तो वर्तमान में ये जो बांध है ये गुजरात के महीसागर जिले में आता है, ये ध्यान रख लेना आप, महीसागर में, और दूसरे चरण में बनाया गया। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो बांध है कडाणा बांध, ये पूरा गुजरात सरकार की लागत से बना हुआ, यानी इसमें पूरी गुजरात की हिस्सेदारी है 100%। इसीलिए इसका पूरा जो लाभ मिलेगा वो गुजरात सरकार को मिलेगा, या जो भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा वो पूरा उसका बेनिफिट गुजरात सरकार लेगी, क्लियर। अब आ जाओ तीसरे चरण पे। तो इसमें तीसरे चरण में एक बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। पिकअप का मतलब क्या होता है कि कहीं पर मान लीजिए पानी पहुंचाना है, वो हिस्सा अगर ऊंचाई पर है तो ऊंचाई पर तो पानी प्रवाहित होगा ही नहीं, तो इसके लिए आपको पानी को पंप करना पड़ेगा, और पंप करने के लिए या तो आप कोई नहर बना दो जिसको लिफ्ट नहर बोलते हैं, या पिकअप बांध बना दो। तो ये पिकअप बांध है। अब ये कहां बना हुआ है तो गौर करना, यहां आ जाओ वापस बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में अब मैं एक अलग कलर से डॉट करता हूं। ये तो मैंने कौन सा बताया था, बोरखेड़ा में कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध। इसी के आगे यही बांसवाड़ा जिले में एक बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं कागदी पिकअप बांध। तो थोड़ा सा मैं स्पेस कर लेता हूं, इनको हटा लेता हूं, ये हटाओ, ये लो साहब, ये बांध है कागदी पिकअप बांध, ठीक है साहब। इस कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली हैं, दो कैनाल, एक राइट साइड में जाती है जिसको राइट कैनाल या दाई नहर कहते हैं, एक लेफ्ट साइड में जाती है जिसको लेफ्ट कैनाल या बाई नहर कहते हैं। तो दो कैनाल निकाली गई हैं, अलग रंग से निकाल देते हैं। एक ये वाली यूं मान लेना, जैसे मैं नीचे अलग करता हूं थोड़ा खुला खुला, अच्छा समझ में आ जाए, ये ध्यान देना कि ये है डॉट कागदी पिकअप बांध। इस कागदी पिकअप बांध से एक ये वाली नहर जो राइट साइड में है इसको कहेंगे दाई नहर, और एक ये वाली नहर जो लेफ्ट साइड में है जिसको कहेंगे बाई नहर। ये जो दाई नहर है इसका नाम है भीखा बाई सागवाड़ा। क्या? भीखा बाई सागवाड़ा, ठीक है साहब। ये जो नहर है इस नहर पर दो यूनिट भी लगाई गई हैं विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ज्यादा उत्पादन नहीं होता, शायद 9 या 10 मेगावाट के आसपास में। तो दो यूनिट लगाई गई हैं, एक गानेड़ा स्थान पर
और एक घाटोल स्थान पर। एक तो घाटोल और एक गानेड़ा या गनेड़ा जिसको कहते हैं। तो ये दो यूनिट लगाई गई हैं भीखाभाई सागवाड़ा नहर पर, जो कागदी पिकअप बांध से राइट साइड में यानी दाईं ओर निकाली गई है। और कागदी पिकअप बांध से निकाली गई इन दोनों नहरों में भीखाभाई सागवाड़ा नहर सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, 71 point something है, तो लगभग 72 किलोमीटर मैं उसको बोल रहा हूँ, 72 किलोमीटर। अब दूसरी नहर पर आ जाओ, ये लेफ्ट नहर यानी बाई नहर, इसका नाम है आनंदपुर भूकिया या आनंदपुरी भूकिया, ठीक है, आनंदपुर या आनंदपुरी भूकिया, जो भी नाम है देख लेना। ये लेफ्ट साइड में निकली है, इसकी जो लंबाई है वो भीखाभाई सागवाड़ा से कम है और इसकी लंबाई है लगभग 26 किलोमीटर, हालांकि 26 point something है, 26.12 या 13 के आसपास में, तो मैं लगभग में लिख रहा हूँ 26 किलोमीटर, ठीक है। अब कुछ और बात ध्यान देना कि ये जो पहला बांध हमने देखा था माई बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के लोहरिया गांव में बना हुआ है, तो इसका उद्घाटन देश की प्रधानमंत्री उस समय यानी तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1983 में, 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। बस ये इतनी कहानी है माही बजाज सागर बांध परियोजना से या माही बजाज सागर परियोजना से। अब क्वेश्चन की तरफ आप आ जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये आ जाओ भैया। तो निम्नलिखित में से ये कलर चेंज कर लें इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन देखना था। पहला है माई बजाज सागर परियोजना द्वारा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के केवल आसपुरा, गौर करना, केवल आसपुरा क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, बात गलत है। मैंने क्या बताया, बांसवाड़ा को होती है, ये बात सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, डूंगरपुर जिले के केवल आसपुरा को, केवल आसपुरा को थोड़ी होती है, सागवाड़ा को भी होती है, सीमलवाड़ा को भी होती है और आसपुरा को भी होती है, यानी इन तीनों क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है कि केवल आसपुरा को होती है, तो इसका मतलब गलत। अगला आ जाओ, कागदी पिकअप बांध के दाएं ओर निकाली गई नहर आनंदपुरी भूकिया है, गलत। अभी मैंने बताया कि दाएं ओर जो नहर निकाली है वो तो भीखाभाई सागवाड़ा है, अभी बताया ना, देखो ये, देखो ये नहरें बताई थी कि दाएं ओर जो नहर निकाली वो भीखाभाई सागवाड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, यहीं पर गनेड़ा या गानेड़ा स्थान और घाटोल स्थान पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। और इसके अलावा जो दूसरी बाईं ओर नहर निकाली गई है वो आनंदपुरी भूकिया है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। तो आनंदपुरी भूकिया तो लेफ्ट साइड में और छोटी नहर है, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कागदी पिकअप बांध के दाईं ओर निकाली है, गलत, दाईं ओर नहीं निकाली है, बाईं ओर निकाली है। फिर है आनंदपुरी भूकिया नहर पर गानेड़ा व घाटोल स्थान पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, गलत। आनंदपुरी भूकिया पर थोड़ी है ये स्थान, ये तो भीखाभाई सागवाड़ा पर है, ठीक है ना। फिर है माही बजाज सागर परियोजना के दूसरे चरण में कड़ाणा बांध का निर्माण किया गया, तो कड़ाणा बांध का निर्माण सही है, दूसरे चरण में किया गया, पहले चरण में माही बजाज सागर बांध, दूसरे में कड़ाणा बांध और तीसरे में कागदी पिकअप बांध, तो बात सही है। फिर है माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया कड़ाणा बांध गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है, तो बात गलत, स्थित है नहीं, स्थित था, पहले पंचमहल जिले में था लेकिन उसी को तोड़कर नया जिला बना, कौन सा, महीसागर, तो वर्तमान में महीसागर जिले में आता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत। फिर है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान में नहीं है, ये टाइप की गलती, वह है ना, राजस्थान व गुजरात की हिस्सेदारी समान है, गलत, समान थोड़ी है, कितनी है, 45% और 55%, यानी 45 राजस्थान और 55 गुजरात, तो ये गलत। और लास्ट है माही बजाज सागर परियोजना के लिए राजस्थान व गुजरात में वर्ष 1966 में समझौता हुआ, तो बात बिल्कुल सही है, 1966 में ही दोनों के मध्य समझौता हुआ था। तो ये था माही बजाज सागर बांध परियोजना का, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।